सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नया और कमाल के वीडियो में। तो आज आप लोग के लिए लेकर के आए हम अपने चैनल के थ्रू जो भी कटअप क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो इसके पहले लेकर के बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम दिए हैं तो बहुत सारे लोगों का सस्पेंस है कि मेरा इतना स्कोर हुआ, क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरा रिजल्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा या आपका मार्क्स कितना बना है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत चोरी हुआ है, पढ़ने वाला का रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं रिजल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुन्ना भाई, बहुत सारे लोग गुरु के द्वारा इस बार पकड़ाए हैं और कुछ सेटर भी पकड़ाए। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कुछ सेटर भी पकड़ाए हैं इसमें। तो इसका जो भी कटअप जाएगा, कटअप ज्यादा नहीं जाएगा, कटअप जाएगा जाकर के मेल का जो भी कटअप जाएगा, मध्य निषेध की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, प्रोविजन मध्य निषेध में आपका जनरल का जाएगा 75 से 77 जाएगा जनरल का, क्योंकि जनरल में है जो ज्यादा बहुत सारे लोग इसमें भरते हैं, तो जनरल के ज्यादा जाएगा। बहुत पढ़ने वाले होते हैं बच्चे जो हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं, जनरल में ज्यादा लोग पढ़ते हैं, तो जनरल का कटअप ज्यादा जाएगा। जनरल को क्यों जाएगा कटअप, एक और रीजन है, सबसे बड़ी रीजन है कि आरक्षण उनको नहीं है, इसी वजह से। अगर जनरल का कटअप आरक्षण रहता तो इनका भी स्कोर चाहते तो 72-74 पे इनका भी स्कोर बन जाता, लेकिन इनका स्कोर जाएगा 75 से 77। तो जनरल वाले जो भी हैं मेरे कैंडिडेट, उनका अगर 75 से 77 के बीच प्रोविजन में आया है तो वो लोग अपना रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। उनका कटअप 75 से 77 इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 72 तो इससे 74 ईडब्ल्यूएस आता है जिनका अभी आरक्षण मिला है। तो ईडब्ल्यूएस पहले जनरल में ही आते थे, तो उनको भी अगर 72 से 74 सॉल्व करके आए हैं तो उनका रिजल्ट होने वाला है। क्यों रिजल्ट होगा, कि क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, इतना सॉल्व करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 689 सीट है उसका। अभी बात किया जाए तो 689 सीट में उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो 689 का होगा समथिंग 3400 कुछ का वैकेंसी का यह दिया जाएगा, वैकेंसी है 3400 उसका रिजल्ट दिया जाएगा, तो 3400 रिजल्ट दिया जाएगा समथिंग, तो उसमें 5 गुना रिजल्ट जाएगा 689 का। तो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में है जो 68 से 70 रहेगा, 68 से 70 रहेगा ओबीसी का। इसमें ओबीसी में भी दो कैटेगरी आते हैं, एक ईबीसी आता है, एक आता है बीसी बनाता है। तो भाई ओबीसी में जो आएगा 68 से 70 उससे ज्यादा नहीं जाने वाला भाई। अगर 68 से 70 है तो रनिंग की तैयारी करें, आपका रिजल्ट हो सकता है। बहुत अगर एक आध बहुत भागेगा तो 1-2 नंबर ज्यादा, 1 या 2 नंबर उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। किसी का भी जाएगा, जिसका भी जितना भी लिखे उससे अगर ज्यादा जाता है 1 नंबर उससे ज्यादा नहीं जाने वाला स्कोर। बाकी आप लोग देख सकते हैं क्या स्कोर होने वाला है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का 71 से 73। अब आप लोग कहेंगे कि 71 से 73 ईबीसी का कैसे हो गया, तो 71 से 73 होने का रीजन यही है कि 68 से 70 हुआ 71, इसमें कैंडिडेट की जनसंख्या ज्यादा है, जिसमें कैंडिडेट ज्यादा होगा तो उसमें तो मामूली सी बात है कि उसमें ज्यादा कटअप रहेगा, क्योंकि जो सीट रहेगा उसी पे फाइट में करना है। तो ज्यादा कैंडिडेट वाले का 71 से 73 रहेगा, ये समझिए कि इसी के लेवल का, ईडब्ल्यूएस के लेवल का आपको आंसर बना करके आए हैं, तो आपका रिजल्ट होने वाला है। तो एससी की बात करें तो एससी में 66 से 69 अगर आप लोग स्कोर करके आए हैं, तो 66 से 69 अगर आप लोग स्कोर करते हैं तो एससी में आपको रिजल्ट हो जाएगा। एसटी की बात करें, एसटी में 65 से 68 उससे ज्यादा, 65 से 68 इससे ज्यादा नहीं जाने वाला एसटी का। अब सोचेंगे कि 55 पे रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड था, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन कुछ आया था, कुछ मैथ में भी रीजनिंग का बात नहीं था, लेकिन इस वक्त सीबीएसई ने गड़बड़ किया, रीजनिंग डाल दिया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा था बच्चा लोग उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया। सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है तो पढ़ने वाले बच्चे 80 स्कोर करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पढ़ने वाले बच्चे अगर 80 स्कोर करते हैं तो सिलेबस की वजह से, तो भाई मेरे बात करते हैं फीमेल, बहुत सारे फीमेल भी एग्जाम दिए हैं, तो फीमेल का भी सीट इसमें आरक्षित है। आरक्षित मतलब 230 प्लस 689 में आरक्षित है, तब सोचिए कितना सीट कम है, तो इतना तो जाएगा ही कटअप। और कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए थे, कैंडिडेट जो फॉर्म भरे हैं समथिंग 3.5 लाख, 3.5 लाख फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट जो भी है, 3.5 लाख फॉर्म भरे हैं, तो 3.5 लाख अगर फॉर्म भरे हैं तो सोचिए उसका एग्जामिनर कितना बैठा है, 2.5 लाख, 1 लाख लोग एग्जाम नहीं दे पाए, 2,67,000 लोग एग्जाम में बैठे हैं, उनका अटेंडेंस हुआ है, तो
तो 2,67,000 के बीच, उससे ज्यादा ये नहीं हुआ है। उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मुन्ना भाई धरा है, बहुत सारे लोग स्कॉलर पकड़ा है, बहुत सारे लोग ब्लूटूथ जो कान में लेकर के सेटिंग वगैरह कर करके जाते थे वो भी पकड़ाए हैं, और कुछ सेटर भी पकड़ा है इस बार जिनको जेल हुई है। पेपरों में आप लोग देख सकते हैं, पेपर भी आया हुआ है, तो पेपर में भी बहुत सारा न्यूज निकल करके आया। पटना पेपर देख सकते हैं, पटना का है, फिर बेगूसराय का है, आप देख सकते हैं। तो आप पेपर अगर पढ़ते तो आप लोगों को पता होगा कि इस बार बहुत सारे लोग मुन्ना भाई पकड़ाए हैं, ब्लूटूथ पकड़ाए हैं। हमारे सेंटर पे भी एक पकड़ाया था, हम भी गए थे एग्जाम देने। तो आप चलते हैं जनरल की बात करते हैं, फीमेल का। तो जनरल अगर 70 से 72 फीमेल लेकर के आए तो 70 से 72 में उनका रिजल्ट फाइनल है, उनको घबराना नहीं है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 से 70, ओबीसी की बात करें तो 65 से 66, और ईबीसी गर्ल्स में भी ईबीसी आता है भाई मेरे, गर्ल्स में भी ईबीसी आएगा। कैंडिडेट जो मेल कराएगा वो फीमेल कराएगा, सब चीज में तो बराबरी है ही। तो उसका 67 से 68 अगर ईबीसी वाले करके आ रहे हैं गर्ल्स, अब सोचेंगे 55 या 45 पे रिजल्ट हो जाए, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, 23,000 में हो सकता है, लेकिन 21,000 या 23,000 जो भी वैकेंसी आने वाला उसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि उसमें सीट की मात्रा बहुत ही कम है। तो ईबीसी में 67 से 68 से जाएगा आपका कटक। और एसटी के बाद एससी की बात करें तो एससी की बात करते हैं तो 64 से 66 एससी गर्ल्स में जो भी एससी कैटेगरी से आते हैं उनका 64 से 66 जाएगा, और एसटी जो है जो सबसे लोअर कास्ट है उनका भाई जाएगा 60 से 62। अगर इस हिसाब से आप लोग का स्कोर है, अगर आप लोगों ने इतना सॉल्व किया है तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो आप लोग अपना रिजल्ट रनिंग का तैयारी करने में लग जाए और जितना हो सके, क्योंकि इसका है ना 689 का 5 गुना लेगा। अब 689 का 5 गुना रिजल्ट लगा तो हर 5 कैंडिडेट में 5 में से 4 को छाटा जाएगा। आप किस वजह से छाट सकता है कोई नहीं जानता। तो 689 में आप लोग को 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और हर 5 में से 4 व्यक्ति को बाहर किया जाएगा रनिंग में। तो इसीलिए जो ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा स्कोर करेगा उसी पे मैरिट बनता है, क्योंकि इसमें मैरिट जो भी है फिजिकल पे बनता है। बिहार पुलिस में मैरिट फिजिकल पे बनता है, और फिजिकल में अगर आपका हो जाता है, मैरिट लग जाता है, तब आपका सिलेक्शन है। ये तो पास आउट के लिए एग्जाम होता है, जो समझ रहा है, इतना कॉम्पिटिशन हार्ड हो गया कि पास आउट के लिए, हालांकि बनना चाहिए तो इसपे भी बनना चाहिए, फिजिकल जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल करेगा या फिर चोरी का इंतजार करके रनिंग करते रहेगा, पैसा देगा एग्जाम निकाल लेगा, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए अभी से ही, आप लोग अगर सिलेक्शन पक्का लेना। अगर आप लोग को अपना माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आप लोग अपना जो भी है फिजिकल की तैयारी में लग जाए मेरे भाई, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। इतने वाला ये अब यूट्यूब पे जाइएगा तो 50 भी बता रहा है, कोई 80+ भी बता रहा है। तो यूट्यूब की बात में बताने, जो भी हमने स्कोर निकाला है टेलीग्राम से निकाला है, कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, क्या उसका लेवल रहा, उसी हिसाब लेवल की बात करें तो मॉडर्न से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेवल की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन ऐसा था जो आप बना सकते थे, हर बच्चा बना सकता था। अब बचा 60 क्वेश्चन, 60 में मैथ था, रीजनिंग का बात नहीं था, रीजनिंग ऐड किया गया। सीएसबी का भी बहुत सारी गलतियां हैं, सिलेबस क्या था, सिलेबस कुछ और था, आया क्वेश्चन कुछ और आया, तो भाई मेरे क्वेश्चन कुछ और आया, सिलेबस कुछ और था, तो आदमी पढ़े तो पढ़कर। यूपीएससी लेवल का कुछ क्वेश्चन था, यूपीएससी लेवल का 2 क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का था जो पहले पूछा गया था, उस हिसाब से क्वेश्चन आया है। आप सोचिए पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, पूरा मोटा मोटा बुक थोड़ी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ईमेल कर सकते हैं सीएसबीसी को, आप बिहार की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करके अपना जो भी कंप्लेन है वो डाल सकते हैं उन पर, उनका ईमेल है, ईमेल आप देख सकते हैं गूगल पे, आप लोग को ईमेल मिल जाएगा। और आप लोग को एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं कि जिनका भी इतना स्कोर आया है वो रनिंग के लिए रेडी हो जाए, और कह रहे हैं कि कितना 80 करके आया 85 करके आया, ऐसा नहीं भाई, 80-85 करने वाले या तो झूठ बोल रहे हैं। आप ही लोग बताइए पढ़ने वाले बच्चे कि क्या 80-85 करने लायक स्कोर है, नहीं 80-85 स्कोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 80-85 स्कोर, क्योंकि रीजन यह है कि 80-85 नहीं होने का, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड था, क्वेश्चन हल्का होता, जैसे अगला बार आया था 75 जो 76 सीट आया था या फिर 389 वाला आया था,
तो उसमें मान सकते थे कि क्वेश्चन का लेवल लो था, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई आया है, इस वजह से ये स्कोर यही स्कोर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। आप लोग घबराने वाली बात नहीं है, आपका कटअप जो भी इतना स्कोर करके आए हैं उनका रिजल्ट होने वाला है। आप सोचे 2.5 लाख एग्जाम दिया है, 3,000 दे रहा है, तो समथिंग 8.5 इस लेवल का होगा, समझ रहे हैं, समथिंग इतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आप लोग तैयारी करते हैं, उससे ज्यादा नहीं तैयारी कर सकते हैं, रनिंग पे फोकस करें और पढ़ते भी रहे, क्योंकि अगला जो है अगला में आप लोग को सिलेक्शन ले, अगर इसमें छठ जाते हो तो अगला में आप लोग का काम आएगा, आपका फिजिकल भी काम आएगा, रिटेन भी काम आएगा। रिटेन में आप पढ़ते ना, फिजिकल इससे तैयार कर, इसमें नहीं होगा तो अगला में जरूर हो जाएगा, क्योंकि अगला तक आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका रनिंग वगैरह सब सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग को कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई और भी क्वेश्चन हमसे करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आप लोग को डाल देंगे। और हम कहना चाहते हैं कि बिहार पुलिस का क्लास लेना चाहते हैं भाई, तो हम ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं बिहार पुलिस का, ऑनलाइन इसी चैनल पे करेंगे। अब समथिंग 2 दिन बाद में हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा लूसेंट आप लोग को पढ़ाएंगे, पूरा लूसेंट पढ़ाएंगे, तरीके से पढ़ाएंगे, लाइनिंग से पढ़ाएंगे। तो आप लोग भाई मेरे, आप लूसेंट पूरा पढ़ लेंगे, आपको हम तरीके से पूरा बता देंगे, लूसेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, अगर लूसेंट आपका कंप्लीट है तो रिजल्ट आपका पक्का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे भाई मेरे, 1,000 सब्सक्राइबर होगा तो लाइव फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।